जय साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार टारगेट टाउन से। मैं अविनाश पाठी आप लोगों का बहुत ही स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे और आप अपनी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए खुद को मजबूत कर रहे होंगे। आप इस कदर मेहनत कर रहे होंगे कि जब आप आगामी परीक्षा में बैठें तो आप एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से परीक्षा के प्रश्नों के साथ एक प्रतिस्पर्धा कर सकें और इस प्रतिस्पर्धा का अंत में परिणाम ये आए कि आपका नौकरी से मिलन हो और आप एक सफल और शानदार जीवन व्यतीत कर सकें। मैं आपकी सहायता आज करने वाला हूं बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ है, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। आज हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे और दो कक्षाओं में हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज का वीडियो और इसका अगला वीडियो, दो वीडियो में मैं इस टॉपिक को पूरा कर रहा हूं और आपको बहुत ही तल्लीनता के साथ इसको सुनना है, समझना है और यहां से बनने वाले प्रश्नों को सीखना है। क्योंकि जब भी कहीं भी जनता विरोध करती है तो जनता का विरोध एक दिन का नहीं होता, उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। मैं आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा कि हम लोग सीखेंगे कि अंग्रेजों के खिलाफ जो जनता ने बगावत किया उसी को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, 1857 की क्रांति। यानी 1857 में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ हम लोगों ने एक बगावत किया, उस समय के हमारे पूर्वजों ने बगावत किया, उस घटना को क्रांति की संज्ञा हम लोग देते हैं। हम लोग ये सीखेंगे इस क्रांति का परिचय क्या है, इस क्रांति के पीछे क्या कारण थे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ, इसका क्या परिणाम आया। परिणाम यह है कि क्रांति असफल रही, हमको आजादी नहीं मिल पाई, तो इसकी असफलता के पीछे क्या कारण थे और इसके बाद इस क्रांति ने भारत में क्या परिवर्तन किया, क्या अंग्रेजों की नीति में कोई परिवर्तन आई, क्या अंग्रेजों ने कुछ अलग कायम किया। तो हम इस पूरे चैप्टर को इन सात हेडिंगों के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। इस क्रांति का पहले परिचय पढ़ेंगे, फिर क्रांति के पीछे का कारण जानने का प्रयास करेंगे, क्रांति की शुरुआत करवाएंगे, क्रांति का प्रसार करवाएंगे, क्रांति का अंत करवाएंगे, उसका परिणाम जानेंगे, उसकी असफलता के कारण जानेंगे और उसके बाद होने वाले परिवर्तन को जानेंगे। इसीलिए जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। चलिए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोगों को। यहां आपको पता होगा कि 1757 में अंग्रेजों ने एक युद्ध जीता था जिसे कहा जाता है प्लासी का युद्ध। बहुत ध्यान सीखेंगे, 1757 में एक युद्ध हुआ जिसे कहा जाता है प्लासी का युद्ध। इस युद्ध का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि यही वह युद्ध था जिसने अंग्रेजों को भारत में व्यापारी से राजा बनाया था। अंग्रेज आए तो व्यापार करने थे, वो एक कंपनी बनकर के आए थे, लेकिन वो भारत में शासक बन गए। तो कोई पूछे वो कौन सी घटना है जिस घटना ने उनको शासक बना दिया, तो आप बोलेंगे प्लासी के युद्ध से क्या हुआ था कि अंग्रेज जो भारत में व्यापारी बन करके आए थे, ये व्यापारी से भारत में क्या बन गए हैं, ये व्यापारी से भारत में शासक बन गए। और इसके बाद यहां से लेकर के और अगले 100 वर्षों तक, ध्यान सीखेंगे, यहां से लेकर के अगले 100 वर्षों तक इन अंग्रेजों ने भारतीयों का हर स्तर पे शोषण किया। क्योंकि ये यूरोप से आए थे, देखिए बहुत ध्यान से, हमारे भारत देश में जो मुगल आए, जो सल्तनत काल के राजा आए, जो शक आए, जो पहलव आए, जो कुषाण आए, ये सब लोग भले विदेश से आए थे लेकिन इन लोगों ने भारत को अपनी मातृभूमि माना, यहीं पर वो रच बस के रह गए थे। यानी उनको पता था कि मुझको यही शासन करना है, यही रहना है। तो जब कोई व्यक्ति ये जान जाता है कि मुझको अपना जीवन यही काटना है, तो कभी वो वहां की जनता का वैसा शोषण नहीं करता। लेकिन अंग्रेजों के साथ क्या था, ये व्यापारी बनकर के आए थे, इनका भारत में कोई लेना देना नहीं था और 200 साल के बाद ये चले भी गए। तो ये जिस तरीके से जनता का शोषण करते थे वैसा पहले की बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए थे, लेकिन उन लोगों ने हमारा वैसा शोषण नहीं किया। इन लोगों ने इन 100 वर्षों में हमारा सामाजिक स्तर पे, हमारा राजनीतिक स्तर पे, हमारा धार्मिक स्तर पे, हमारा आर्थिक स्तर पे, हर स्तर पे इनका हम लोगों ने, हमारा इन लोगों के द्वारा क्या किया गया, शोषण किया गया। यानी ये हमारे समाज पे प्रहार कर रहे थे,
हमारी राजनीति पे प्रहार कर रहे थे, हमारी धर्म पे प्रहार कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था पे प्रहार कर रहे थे और हमारा लगातार शोषण कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब लगातार शोषण किया जाता है तो जनता उसका प्रत्युत्तर भी देती है। तो इन 100 वर्षों के शोषण के बाद जो जनता ने पहली बार विरोध किया था वो कब किया था? 1857 में। यानी 1857 में इस पिछले 100 वर्षों के का जो शोषण था उसका हम लोगों ने क्या किया था? विरोध किया था। हम लोगों ने एक बहुत पुरजोर विरोध करने का प्रयास किया। यानी आप बोलेंगे प्लासी के युद्ध से जो इनका शासन शुरू हुआ उसके 100 वर्षों के शोषण के बाद पहला विरोध कब हुआ? 1857 में। इसी विरोध को हम लोग क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति कहते हैं। अब देखिए बहुत ध्यान से, कई बार क्या होता है कि जो विरोधी होते हैं वो आपके प्रयास को कमतर आंकने का प्रयास करते हैं, आपकी सफलता को न्यून दिखाने का प्रयास करते हैं। तो जब आप इस विरोध के बारे में देखेंगे ना तो कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि लिखा रहेगा 1857 की घटना को, कहीं कहीं क्रांति लिखा रहता है, क्रांति, और कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो इसे क्या लिखा रहेगा? इसे विद्रोह लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? इसे विद्रोह लिखा रहेगा। ये बड़ी परीक्षाओं में मेंस में बहुत पूछा जाता है कि आपकी नजर में 1857 की घटना एक क्रांति है या एक विद्रोह है। क्या पूछा जाएगा? ये घटना क्रांति है या विद्रोह है? देखिए बहुत ध्यान से, अगर हम लोग इस घटना को क्रांति कहेंगे तो क्रांति जो है ये एक सकारात्मक पहलू होता है। कैसा पहलू होता है? क्रांति जो है ये किसी भी विरोध का सकारात्मक पक्ष होता है। और अगर विद्रोह की बात करेंगे तो विद्रोह जो होता है वो किसी भी विरोध का नकारात्मक पक्ष होता है। अब देखिए बहुत ध्यान से, अंग्रेजों के खिलाफ हम लोगों ने विरोध किया और अंग्रेज हमेशा इस घटना को क्या कहेंगे? विद्रोह कहेंगे। अंग्रेजों ने कहा कि जनता का यह आंदोलन नहीं था, ये भारत में जो सैनिक थे हमारे, उन सैनिकों के द्वारा किया गया एक विद्रोह है। यानी अंग्रेज हमेशा क्या करते हैं? वो इस घटना को सैनिकों का विद्रोह बताने का प्रयास करते हैं। विद्रोह अपने आप एक निगेटिव शब्द है। देखिए बहुत ध्यान से, विद्रोह के अंदर जो होता है वो स्वलाभ की भावना पाई जाती है। कौन से लाभ की भावना पाई जाती है? स्वलाभ की भावना पाई जाती है। यानी अंग्रेजों ने कहा कि ये जो 1857 में सैनिकों ने विद्रोह किया ये जनता का कल्याण नहीं चाहते थे, ये अपना लाभ चाहते थे। जैसे समझिए बहुत ध्यान से, मैं आप लोगों ने सुना होगा कि शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने विद्रोह कर दिया, या आपने सुना होगा कि अकबर के पुत्र जहांगीर ने विद्रोह कर दिया, जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। तो ये जो विद्रोह कर रहे थे शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब, ये जनता का लाभ नहीं चाहते थे, ये कुर्सी चाह रहे थे, सत्ता चाह रहे थे। तो अगर कहीं पर विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो ये एक निगेटिव टर्म है। इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए व्यवस्था में परिवर्तन चाह रहा है। तो जब कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए व्यवस्था में परिवर्तन चाहता है तो जो वो विरोध करता है उस विरोध को क्या कहा जाता है? विद्रोह कहा जाता है। यानी अंग्रेज हमेशा इस 1857 के विरोध को विद्रोह कह करके ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि सैनिकों के द्वारा अपने लाभ के लिए किया गया एक विरोध था। लेकिन हम इस घटना को क्या कहते हैं? हम इस घटना को क्रांति कहते हैं। देखिए क्रांति क्या होता है, आपने सुना होगा कि श्वेत क्रांति किया गया जिससे दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई, हरित क्रांति किया जिससे फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई। तो जब श्वेत क्रांति से दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई तो एक आदमी दूध पिएगा कि हर कोई पिएगा? तो जो क्रांति शब्द होता है ना ये सकारात्मक शब्द है और इसमें जन लाभ की भावना पाई जाती है। किसकी भावना पाई जाती है? इसमें जन लाभ की भावना पाई जाती है। यानी हम लोग भारतीय ये बताने का प्रयास करते हैं कि 1857 में जो विरोध किया गया ये क्रांति है, इसमें पूरी जनता पार्टिसिपेट की और जनता का उद्देश्य अपना लाभ कमाना नहीं था बल्कि वो सभी लोगों का कल्याण करना चाहते थे। हालांकि इसको आप अभी पढ़ के जानेंगे कि क्रांति कितना अपने लिए थी कितना जनता के लिए थी, उसका भी आप आगे मूल्यांकन करेंगे। लेकिन मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा कि 1857 की घटना
को अगर आप विद्रोह कहेंगे तो आप इसका नेगेटिव टर्म करके ये मान रहे हैं कि सिर्फ सैनिकों ने किया है। अगर आप इसको क्रांति कहेंगे तो आप ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों के 100 साल के अत्याचार के खिलाफ ये एक प्रयास था जो भारतीयों के द्वारा किया गया था, इसमें हर कोई शामिल था। यानी अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप कभी भी किसी कोई भारतीय इतिहासकार को पढ़ेंगे तो जो भारतीय इतिहासकार है वो अक्सर इसे क्रांति कह करके इसके सकारात्मक पहलू को उजागर करते हैं। लेकिन अगर आप कभी अंग्रेजों का साहित्य पढ़ेंगे तो अंग्रेज जो हैं वो हमेशा इसे विद्रोह कह करके और इसे निगेटिव दिखाने का प्रयास करते हैं। तो जाहिर सी बात है आप समझ पाए होंगे कि 100 साल के शोषण के बाद का जो विरोध है उसे क्रांति कहा जाए या उसको क्या कहा जाए, विद्रोह कहा जाए। जब सेशन खत्म होगा तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि यह घटना क्रांति थी या यह घटना विद्रोह थी। अभी आप इतना जानेंगे कि अगर आप इसको विद्रोह कहेंगे तो आप इसका निगेटिव टर्म लेकर के जा रहे हैं और आप इसको केवल सैनिकों के द्वारा अपने लाभ के लिए किया गया विरोध कह रहे हैं। और अगर आप इसको आंदोलन कहेंगे या इसको क्रांति कहेंगे तो आप इसको जन लाभ की भावना से किया गया विद्रोह कहेंगे। तो ये मैंने आपको भूमिका सिखाई कि जो क्रांति थी वो 100 साल के विद्रोह का विरोध का परिणाम थी, शोषण का परिणाम थी। इस घटना को 1857 में क्या किया गया, अंजाम दिया गया। तो मैंने आपको पहली हेडिंग सिखाई कि इसका परिचय क्या है। तो आप क्या कहेंगे, परिचय में आप कहेंगे कि 100 वर्षों के शोषण, 100 वर्षों के शोषण, कब से 100 वर्ष, तो 1757 के प्लासी के युद्ध से लेकर के 1857, 100 वर्षों के शोषण का परिणाम थी क्या जो हम लोगों ने 1857 में एक घटना अंजाम दिया था, ये क्या था, ये 100 वर्षों के शोषण का परिणाम थी। इंट्रोडक्शन में आपको ये जानना है। अब देखिए बहुत ध्यान से, अगला आपको क्या सीखना है कि इस घटना के पीछे कौन कौन से कारण थे। आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की जो क्रांति हुई इसके पीछे क्या क्या कारण थे, ऐसा कौन सा कारण था कि जनता एकदम से क्रांति करने के लिए आतुर हो गई थी, जनता एकदम से क्रांति करने के लिए लालायित हो गई थी। देखिए बहुत ध्यान से, इस क्रांति के पीछे मेरे भाई कई कारण हैं, कुछ सामाजिक कारण हैं, कुछ राजनीतिक कारण हैं, कुछ आर्थिक कारण हैं, कुछ प्रशासनिक कारण हैं और एक तात्कालिक कारण है। जैसे समझेंगे, अगर मान लीजिए कि दो परिवारों में झगड़ा हो रहा है तो वो झगड़ा तत्काल जिस कारण से शुरू हुआ होगा वो तात्कालिक कारण है, लेकिन उनकी दुश्मनी कई पीढ़ी से चली आ रही है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से झगड़ा करना है क्योंकि उसके दादाजी आप दादाजी के दुश्मन थे, उसके पिताजी आपके पिताजी के दुश्मन थे, लेकिन आज आप उससे झगड़ा क्यों करेंगे, हो सकता है उसका कपड़ा उड़ के आपके घर में चला आए, उसकी गाड़ी से आपके घर में ठोकर लग गई हो या आपके गाड़ी का शीशा उसके लड़के ने तोड़ दिया हो। तो ये जो गाड़ी का शीशा टूट गया, घर में उड़ के कपड़ा चला आया या आपके घर में ठोकर लग गई, ये सब तात्कालिक कारण है, लेकिन चूंकि पुश्तैनी दुश्मनी है तो वो भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि इस क्रांति के पीछे कौन कौन से कारण रहे हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ये जानना कि इस घटना के पीछे कौन से सामाजिक कारण थे। बहुत ध्यान सीखिए, इस घटना के पीछे यानी क्रांति के पीछे कौन कौन से सामाजिक कारण थे, अंग्रेज समाज में ऐसा क्या कर रहे थे कि जो भारत की जनता थी वो उनके खिलाफ चली गई और जनता ने जाकर के क्रांति का रास्ता अपना लिया। ठीक, चलिए देखिए बहुत ध्यान से, समाज में क्या परिवर्तन समझेंगे। बहुत ध्यान से, ये जो अंग्रेज भारत में आए थे ना, ये आने के बाद ये हमारे भारत में जो रीत रिवाज पाए जाते थे, जो प्राचीन समय से चले आ रहे थे, उन रीत रिवाजों में इनके द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा था। समझेंगे बहुत ध्यान से, अंग्रेज जो थे वो हमारे रीत रिवाजों में हस्तक्षेप कर रहे थे। जब कोई व्यक्ति शासक बनता है तो सिर्फ शासन नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि जिन पर वो शासन कर रहा है वो लोग उसी के हिसाब से खाएं, उसी के हिसाब से कपड़ा पहने, उसी के हिसाब से लोग क्या करें, वो लोग रहन सहन रखें। तो अंग्रेज जब भारत में आए तो इन लोगों ने हमारे रीत रिवाज पर हस्तक्षेप करना शुरू किया। जैसे हमारे समाज में एक प्रथा पाई जाती थी जिसे कहते थे सती प्रथा। अब ये प्रथा भले गलत थी, ये प्रथा भले गलत थी लेकिन हमारे समाज में चल तो रही थी ना, और अंग्रेजों ने क्या किया, इसको बंद करने का प्रयास किया। हमारे समाज में प्रथा पाई जाती थी जिसे कहते थे विधवा विवाह का ना होना,
यानी हमारे समाज में विधवा विवाह नहीं होता था और अंग्रेजों ने कानून बनाया कि विधवाओं का विवाह किया जाएगा। हमारे समाज में जाति प्रथा पाई जाती थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पाए जाते थे, ठीक। यानी ऐसी बहुत सारी कुरीतियां थी जो हमारे समाज में पाई जाती थी, ये गलत थी और अंग्रेजों ने इन पे काम करने का प्रयास किया। तो जब अंग्रेजों ने इन चीजों पे प्रयास किया, हमारे रीति रिवाज पर हस्तक्षेप किया, तो बताइए क्या जनता उनसे नाराज होगी कि नहीं होगी? तो जाहिर सी बात है आप क्या बोलेंगे, जनता उनसे क्या हो गई थी, नाराज हो गई थी। यानी जब वो लोग, आप ऐसे सोचिए, जैसे मान लीजिए अभी हिंदुओं में कोई परंपरा बहुत गलत हो लेकिन कोई मुस्लिम व्यक्ति ये कहे कि ये प्रथा गलत है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे कि तुम मुसलमान हो तुम कहे ऐसा कह रहे हो। इस्लाम में कोई प्रथा बहुत गलत हो और हम हिंदू उसको सुधारने की बात करें तो कहेंगे देखो हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये सब हमारे समाज में व्याप्त प्रथाएं थी, हालांकि गलत थी, लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेज जो है वो इसको क्या कहते हैं ठीक करने का इस पे काम कर रहे थे। तो हम उनसे क्या हो जा रहे थे, हम उनसे नाराज हो जा रहे थे। फिर देखिए बहुत ध्यान से क्या हुआ, हमारे भारत देश में अंग्रेजों ने 1813 में ईसाई मिशनरी भेजा। समझिए बहुत ध्यान से, अंग्रेजों ने हमारे भारत देश में 1813 में ईसाई मिशनरी भेजा। क्यों भेजा था? ईसाई मिशनरियां इसलिए आई थी ताकि ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार ताकि ये ईसाई धर्म का क्या कर सके, प्रचार प्रसार कर सके। यानी जब अंग्रेजों को लगा कि भारत में हमको अपनी मार्केट तैयार करना है तो मार्केट कैसे तैयार होगा, जब लोग ईसाई बनेंगे तभी तो ईसाई वाला कपड़ा पहनेंगे, हम लोग तो कुर्ता धोती पहनते थे। तो इंग्लैंड से ईसाई मिशनरी भेजा गया, कुछ पादरी वहां से आए, वो घूम घूम कर हमारे समाज में जाते और लोगों को समझाते कि देखो तुम्हारे यहां महिलाओं को पर्दा करना पड़ता है, हमारे यहां महिलाएं पर्दा नहीं करती हैं, ये तुमको छूते नहीं है, हमारे यहां हर कोई हर किसी को छूता है। तो जो हमारे समाज की बुराई थी उसको अपने व्यापारिक लाभ के लिए अंग्रेज जो है ईसाई मिशनरियों के माध्यम से क्या कर रहे थे, बार बार उजागर करने का काम कर रहे थे, ठीक ना। इसीलिए क्या हुआ, ये लोग जो प्रचार, देखिए बहुत ध्यान से, कभी आप ये नहीं सोचेंगे कि इनके प्रचार प्रसार का ये जो तरीका था वो भारतीयों का कल्याण करना था, ऐसा कुछ नहीं था। ये केवल और केवल भारत में अपना बाजार बनाना चाह रहे थे, समझेंगे। भारत में जो मुसलमान थे उनकी औरतें बुर्का पहनती थी, जो हिंदू महिलाएं थी वो साड़ी पहनती थी, लेकिन ये बनाते थे पैंट शर्ट जींस ये बनाते थे। तो जब लोग ईसाई बनेंगे, ईसाई परंपरा को फॉलो करेंगे, तभी तो उनका कपड़ा पहनेंगे। तो इन लोगों ने ईसाई मिशनरियों के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया और हमारे धर्म पे प्रहार किया। तो जो हमारे धर्म के लोग हैं वो जैसे जाके इस्लाम की महिला से कहे कि बताओ तुमको काला काला बुर्का पहना देते हैं पूरा दिन, हिंदू धर्म की महिलाओं से कहे कि तुमको एक हाथ का घूंघट करना पड़ता है, तुम लोग ईसाई बन जाओ, ईसाई बन के तुम लोग जींस पैंट पहन के घूम सकते हो। तो जब ये सब ये काम करने का प्रयास करेंगे तो जो लोग समाज में लोग होंगे वो इनसे नाराज होंगे कि नहीं नाराज होंगे, जाहिर सी बात है क्या हो जाएंगे, वो इनसे नाराज हो जाएंगे, ठीक। फिर देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, ये क्या था, इन लोगों के अंदर, अंग्रेजों के अंदर जो था वो जातीय श्रेष्ठता की भावना पाई जाती थी। कौन सी भावना थी, इन लोगों के अंदर जातीय श्रेष्ठता की भावना पाई जाती थी। ये कहते थे कि हम जो अंग्रेज लोग हैं, हम लोग शासन करने के लिए पैदा हुए हैं और तुम जो भारत के लोग हो तुम लोग शासित होने के लिए पैदा हुए हो। यानी हम लोगों को हमेशा नीचा दिखाते थे, जैसे समझेंगे, जैसे कोई पब हो गया, कोई बार हो गया, थिएटर हो गया, ठीक, कोई होटल हो गया, तो वहां पर लोग बोर्ड लगा देते थे कि भारतीयों का और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। यानी कहते थे कि कप में चाय पीना, पब में डांस करना तुम्हारे लिए नहीं है, यह हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए है। तो खुद को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करते थे। तो जब ये अपनी जाति को श्रेष्ठ दिखाएंगे और हमको आपको नीचा करेंगे तो हम और आप लोग विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, जाहिर सी बातें करेंगे। तो जो इनके अंदर जाति श्रेष्ठता की भावना थी ये भी कहीं ना कहीं क्या कर रही थी, हम लोगों के अंदर इनके खिलाफ भावना पैदा करने का काम कर रही थी। फिर देखेंगे और ये लोग क्या करते थे, ये लोग जानबूझकर हमारे लोगों से समुद्री यात्रा करवाते थे। क्या करवाते थे, जानबूझकर समुद्री यात्रा करवाते थे। जैसे समझेंगे, हिंदुओं में परंपरा थी कि समुद्र में नीचे क्षीर सागर है, उस क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे रहते हैं और लक्ष्मी माता उनका पैर दबाती रहती है। तो अगर कोई हिंदू व्यक्ति
उस समय समुद्र की यात्रा करता था, तो लोग समाज में मानते थे कि नीचे भगवान विष्णु हैं और आप ऊपर पैर रख करके चले गए हैं, तो आपने भगवान का अपमान किया है। तो ऐसे व्यक्ति को समाज से हुक्का पानी बंद कर देते थे, उनके यहाँ कोई खाता पीता नहीं था। यानी अगर आप समुद्री यात्रा करके आए तो समाज में कोई आपके साथ उठता बैठता नहीं था, क्योंकि आप भगवान विष्णु के ऊपर पैर रख करके आए हैं। और ये लोग क्या करते थे, ये जानबूझकर समुद्री यात्रा करवाते थे, क्योंकि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये सब भी इनके पास था, तो जानबूझ के समुद्र के रास्ते वहां भेज देते थे। अब अगर कोई सैनिक अंग्रेजों की सेना में है तो उसको यूरोप भेजेंगे तो समुद्र से ही तो जाएगा, तो लौट के आया लोग उसके यहाँ खाना पीना खाना क्या कर दिए, बंद कर दिए थे, जाहिर सी बात है। इसके अलावा देखेंगे बहुत ध्यान से क्या हुआ, हम लोगों ने इन लोगों का पाश्चात्य साहित्य पढ़ा, समझिए बहुत ध्यान से, हम लोग पहले वेद पढ़ा करते थे, पुराण पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, बाइबल पढ़ते थे, इनका साहित्य नहीं पढ़ते थे। जब हम लोगों ने इनका साहित्य पढ़ना शुरू किया तब हम लोगों के अंदर थोड़ी बहुत विचारधारा बढ़ी। जैसे समझेंगे, आप गांव में अभी किसी पुराने बुजुर्ग व्यक्ति से जाके मिलिए तो आप देखेंगे उसकी बोलचाल की भाषा में आपको दिखाई देगा, वो कहेगा बाबू साहेब, मालिक, जमींदार, मालिक आप ही के रहमो करम पे जी रहे हैं। लेकिन आप उसी के घर के किसी नई उम्र के लड़के से मिलिए, वो कहेगा और भाई क्या हालचाल, क्या हालचाल। यानी पुराने समय के लोगों ने वो अंग्रेजी साहित्य नहीं पढ़ा था, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज शासन कर रहे थे हम अंग्रेजी सीख रहे थे तो हम इनका साहित्य भी पढ़ रहे थे। तो इनका साहित्य पढ़ने से हमारे दिमाग में जो बहुत सारी भावनाएं जो पुरानी घर कर गई थी वो हट रही थी। तो जैसे जैसे हम लोग बुद्धिजीवी हो जाएंगे हम इनका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो ये कुछ सामाजिक कारण है, एक बार फिर से बता दे रहा, क्रांति के पीछे क्या सामाजिक कारण था, 100 वर्षों में अंग्रेजों ने हमारे रीति रिवाज में हस्तक्षेप किया, ईसाई मिशनरी भेज करके हमारे लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास किया, अपने प्रचार प्रसार के चक्कर में, अपना मार्केट बनाने के चक्कर में हमारी प्रथाओं पर प्रहार कर रहे थे, अपने आप को जाति श्रेष्ठ दिखाते थे तो हम उसका विरोध कर रहे थे, हमसे जानबूझकर समुद्री यात्रा करवाते थे, और पाश्चात्य साहित्य पढ़ लेने के बाद हम लोगों के दिमाग में इनके खिलाफ एक माहौल पैदा हुआ, और वही माहौल जो है वह 1857 की क्रांति के लिए भूमिका तैयार कर रहा था। तो ये मैंने आपको क्या सिखाया कि इसके पीछे कौन कौन सा सामाजिक कारण था। अब देखिए बहुत ध्यान से, इसके पीछे कुछ प्रशासनिक कारण भी हैं, समझिए बहुत ध्यान से, इसके पीछे कुछ प्रशासनिक कारण हैं। यानी अंग्रेज जो थे इस शासन प्रशासन में कुछ ऐसा काम करते थे कि जनता इनके खिलाफ होती चली गई, और अंत में जनता ने क्या कर दिया, अंत में जनता ने विरोध कर दिया। जैसे समझेंगे बहुत ध्यान से, ये लोग भारत में व्यापारी बन के आए थे और शासन शासक बन गए थे, तो जब हमारे भारत देश में कोई प्राकृतिक आपदा आती थी, समझे बहुत ध्यान से, अगर भारत देश में कोई प्राकृतिक आपदा आती थी, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर बाढ़ आ गई, जैसे मान लीजिए कहीं पर अकाल पड़ गया, तो इन सब स्थिति में शासक होने के नाते इनको क्या करना चाहिए था, इनको जनता के लिए कल्याणकारी काम करना चाहिए था, इनको राजस्व माफ कर देना चाहिए था। लेकिन प्राकृतिक आपदा में भी ये जनता का शोषण जारी रखते थे। यानी कहते थे चाहे पानी बरसे या ना बरसे, चाहे हल चले या ना चले, लेकिन जितना राजस्व आपको देना है देना पड़ेगा। तो आप बताइए, जब आप प्राकृतिक आपदा के समय इस तरह का व्यवहार करेंगे तो जनता आपसे नाराज हो जाएगी कि नहीं नाराज हो जाएगी, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। एक तो शोषण करते थे और दूसरा कोई कल्याणकारी काम भी नहीं करते थे। फिर देखिए बहुत ध्यान से, इन लोगों ने एक नियम बनाया था कि जो भी उच्च पद हैं इस उच्च पद पर केवल अंग्रेज रहेंगे। क्या रहेंगे, इन उच्च पदों पर केवल अंग्रेज रहेंगे। यानी जैसे मान लीजिए कि कोई अंग्रेज है, उसने भी उतनी पढ़ाई किया है, किसी हिंदू ने भी उतनी पढ़ाई किया है, दोनों ने बराबर पढ़ाई किया है, लेकिन फिर भी प्रमोशन की जब बात आएगी, उच्च पद की जब बात आएगी, तो केवल अंग्रेजों को दिया जाएगा। ये भावना क्या दिखा रही है, ये भावना जाति श्रेष्ठता दिखा रही है कि भारत में अंग्रेजों को कभी हुकुम भारती नहीं दे सकता, ये इनके अंदर भावना। तो उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों को ही नियुक्त करना, ये यथा जो 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 पढ़े लिखे लोग थे वो उनके मन में ये विरोध की भावना पैदा कर रही थी। फिर देखिए बहुत ध्यान से, एक क्या नियम था समझेंगे, उस समय दो तरह के जज हुआ करते थे,
कुछ जो भारतीय जज थे जो पढ़ करके जज बन जाते थे, और कुछ कौन से जज हुआ करते थे, कुछ अंग्रेज जज हुआ करते थे। अब इन लोगों ने क्या नियम बनाया था, इन लोगों ने नियम बनाया था कि अगर कोई अंग्रेज व्यक्ति जज बना है तो ये व्यक्ति भारतीयों का भी मुकदमा सुन सकता है और साथ में ये अंग्रेजों का ही मुकदमा सुन सकता है। भाई जब बहुत सारे अंग्रेज भारत में रहते थे तो कभी उनमें झगड़ा भी होता था तो उनका ही मुकदमा कोर्ट में जाता था। यानी अंग्रेज जज भारतीय मुकदमा भी सुन सकता था और अंग्रेजों का ही मुकदमा सुन सकता था, लेकिन अगर भारतीय जज है तो ये केवल भारतीयों का ही मुकदमा सुनेगा, यानी ये कभी भी अंग्रेजों बीच के झगड़े का मुकदमा नहीं सुनेगा। अब आप बताइए, दोनों जज हैं, समान योग्यता है, लेकिन क्या इन दिन ये तगड़ा भेदभाव हो रहा है कि नहीं भेदभाव हो रहा। बाद में अंग्रेजों ने जब इस कानून में परिवर्तन किया, कहा कि भारतीय जज भी अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकते हैं, तो जितने अंग्रेज थे सब छाती पीटने लगे। उन लोगों ने बहुत तगड़ा विरोध किया और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और सरकार ने फिर से कहा कि केवल भारतीयों का मुकदमा ही भारतीय जज सुन सकता है। अब आप बताइए, जब प्रशासन में आप और क्या था, समान पद पर समान वेतन नहीं था, समझेंगे क्या भावना थी कि समान पद मतलब मान लीजिए कि एक अंग्रेज और एक भारतीय दोनों समान पद पर हैं तो दोनों में समान वेतन नहीं होता था। यानी अंग्रेजों को हमेशा ज्यादा वेतन मिलता था, ज्यादा सुविधा मिलती थी, ज्यादा उनको प्रायोरिटी दिया जाता था। अब देखिए, ये करने से समाज में भेदभाव पैदा हो गया था, हर वर्ग खिलाफ चला जा रहा था। और जब ये वाला काम कर रहे थे तो जो लोग पढ़े लिखे थे, जो शासन प्रशासन में थे, क्या वो विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है करेंगे। तो इन प्रशासनिक कारणों से और इन सामाजिक कारणों से जनता के मन में अंग्रेजों के प्रति सौसाल्मिक विरोध की भावना पनप रही थी, जो भावना 1857 में क्रांति का रूप लेकर के सामने आती है। आइए देखते हैं और इसके पीछे क्या कारण थे, समझिए बहुत ध्यान से, इसके पीछे कुछ आर्थिक कारण भी थे। हमारे यहां या पूरे विश्व में जब भी कहीं पर विरोध किया जाता है तो उसके पीछे हमेशा आर्थिक कारण जरूर होता है, तो इसके पीछे कुछ आर्थिक कारण भी थे। आर्थिक कारण का मतलब है कि ये लोग अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसा काम कर रहे थे कि जिससे भारतीय लोग इनके खिलाफ चले गए, विशेषकर जो भारत में किसान था वो इनके खिलाफ चला गया। देखिए बहुत ध्यान से क्या क्या समझेंगे, हमारे भारत देश में अपनी पारंपरिक कृषि थी, समझेंगे बहुत ध्यान से, हमारे भारत देश में अपनी पारंपरिक कृषि थी और इन लोगों ने हमारी पारंपरिक कृषि को नष्ट कर दिया। जैसे हम लोग गेहूं पैदा करते थे, चावल पैदा करते थे, सरसों पैदा करते थे, दाल पैदा करते थे और इससे हमारा खाना चलता था, लेकिन अंग्रेजों ने यूरोप में मशीन लगा के रखी है जहां पर वो कपड़ा बनाते हैं, जहां पर वो बर्तन बनाते हैं। तो गेहूं चावल से बर्तन बनेगा क्या, गेहूं चावल से कपड़ा बनेगा, नहीं बनेगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने हमारे जो किसान थे उनको मार मार के, उनपे बड़ा कर्ज लाद लाद के और हमारी पारंपरिक कृषि को नष्ट कर दिया। और अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने व्यवसायिक कृषि को बढ़ावा दिया। अब व्यवसायिक कृषि क्या है, यानी ये हमारे लोगों से ऐसी कृषि करवा रहे थे जिसका डिमांड इनको यूरोप में थी। जैसे इन्होंने हमारे किसानों से कहा कि तुम कपास का उत्पादन करो, जूट का उत्पादन करो, कॉफी का उत्पादन करो, चाय का उत्पादन करो। अब हम लोग पीते थे दूध और पैदा कर रहे हैं कॉफी और चाय, हम लोग जूट कॉटन पैदा करते लेकर के ये लोग क्या होते चले जाते। तो ये जो हम लोग व्यवसायिक कृषि कर रहे थे इससे जो उत्पादन हो रहा था उसके खरीददार केवल अंग्रेज थे, तो अंग्रेज मनमाने दाम पे क्या करते थे, खरीदा करते थे। तो अंग्रेजों ने जब हमारी पारंपरिक कृषि को अपने ब्रिटेन के लाभ के लिए, क्योंकि ब्रिटेन में बड़ी बड़ी मशीन लगा लिए थे कपड़ा बनाने की, तो वहां के लाभ के लिए हमारी पारंपरिक कृषि को क्या किया इन्होंने, नष्ट कर दिया। और व्यवसायिक कृषि को क्या किया इन्होंने, बढ़ावा दिया। तो जिससे हमारे जितने भी किसान थे वो सब क्या हो गए थे, वो सब इनसे नाराज होते हुए चले गए थे। ठीक, चलिए कमेंट करेंगे समझ पाए आप इसको। फिर देखिए बहुत ध्यान से, ये लोग हमारे किसानों से भू राजस्व वसूलने के लिए ये बहुत सारी भू राजस्व प्रणाली लेकर के आए। भाई चूंकि व्यापारी थे तो इनका अंतिम उद्देश्य क्या था कि भारतीय जनता से पैसा वसूलना है। तो ये कौन कौन सी प्रणाली लेकर के आए थे, एक प्रथा लेकर के आए थे इसे कहते हैं जमींदारी व्यवस्था, एक प्रथा लेकर के आए थे जिसे कहते हैं महालवाड़ी व्यवस्था,
एक व्यवस्था लेकर के आए थे जिसे कहते हैं रैयत वाड़ी व्यवस्था। ये सब वो व्यवस्थाएं हैं जो जिनसे कि ये लोग राजस्व वसूलते थे। और जितनी भी व्यवस्था मैं आपको बता रहा हूं, इससे किसानों का कोई लाभ नहीं था। इसमें सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाता था, यानी किसान का एक पैसे का लाभ नहीं था। जैसे जमींदारी व्यवस्था में जमींदार पैसा वसूलता था तो जमींदार किसानों का शोषण करता था। महालवाड़ी व्यवस्था में मुखिया पैसा वसूल के कंपनी को देता था तो गांव का मुखिया शोषण करता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान सीधा देता था तो जो पैदा करता था सब लेकर के चले जाते थे। ऐसे समझिए बहुत ध्यान से, जैसे मान लीजिए पहले हम लोग गेहूं पैदा करते थे तो ये हमारी कौन सी खेती थी, ये हमारी पारंपरिक खेती थी, पूरा भारत गेहूं खाता था। तो उस समय गेहूं को खरीदने वाले बहुत सारे लोग थे। अब अंग्रेजों ने कहा कि अगर आप गेहूं को उत्पादन करेंगे तो आपको 1/3 भाग टैक्स देना पड़ेगा। अब हमारे किसान ने मेहनत करके 9 बोरी पैदा किया और 3 बोरी आकर कौन लेके चले गए, अंग्रेज लेके चले गए। आपने मूवी देखा होगा लगान, लगान में इसको दिखाया गया है। अब इन्होंने हमारे किसान से कहा कि अगर तुम नील की खेती करोगे, अगर तुम नील की खेती करोगे, अगर तुम जूट की खेती करोगे, कॉफी की खेती करोगे तो मैं तुमसे जो है वो टैक्स 1/6 लूंगा। हमारा किसान खुश हो गया। उसने क्या किया, पैदा किया, मान लीजिए किसान ने 9 बोरी जूट पैदा किया, अब सॉरी मान लीजिए हमारे किसान ने 12 बोरी जूट पैदा किया तो 2 बोरी कौन ले लिए, अंग्रेज ले लिए। अब किसान के पास कितना बचा, 10 बोरी बचा। अब आप बताइए क्या नील जूट कॉफी किसान खाएगा, उसको बेचेगा ही बेचेगा। भाई कॉफी हम लोग पीते ही नहीं थे, नील की डिमांड यूरोप में थी। अब बताइए इसको खरीदने वाला कौन है भारत में, कोई भारतीय इसको इसको खरीदेगा नहीं। इसको खरीदने वाले केवल कौन थे, केवल अंग्रेज इसके खरीदार थे। जब खरीदने वाला केवल एक व्यक्ति हो और बेचने वाले बहुत सारे लोग हों तो इसे कहा जाता है क्रेता अधिकार बाजार, यानी जो व्यक्ति खरीदने वाला है उसी के हिसाब से मार्केट चलेगी। जैसे पूरे मार्केट में 100 लोग टमाटर लेकर के बैठे हैं और खरीदने वाला केवल मैं हूं तो मैं कहूंगा 2 रुपए मिलूंगा। अगर खरीदने वाले 100 लोग हैं और बेचने वाला एक व्यक्ति है तो कहेगा मैं 200 रुपए किलो बेचूंगा। तो हम लोग जो व्यवसायिक किसी करते थे उससे जो उत्पादन होता था, अंग्रेज राजस्व भले कम लिए लेकिन उसके उत्पादन को खरीदने वाले केवल अंग्रेज थे, तो उन्होंने आने पौने दाम पे क्या किया, खरीद लिया। तो इससे इससे क्या क्या नुकसान हुआ, इससे नुकसान यह हुआ एक हमारे भारत देश में अन्न की कमी हो गई, ठीक। दूसरा क्या हुआ, हमारी कृषि तबाह हो गई, किसान मजबूरी में क्या कर दिया, खेती करना छोड़ दिया। नील के नाम पे किसानों का कितना शोषण किया जाता था, हमारे बहुत सारे किसानों ने अपने हाथ का अंगूठा काट लिया था ताकि उनको नील की खेती ना करना पड़े। भाई मेहनत करके नील पैदा भी किए और अब बाद में औने पौने दाम पे क्या करना पड़ता था, बेचना पड़ता था। तो ये सब जो भू राजस्व प्रणालियां लेकर के आए थे, इन सारी प्रणालियों से हमारे किसानों के तौर पे क्या होता था, शोषण होता था। शोषण होगा तो ये किसान विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है ये सारे किसान क्या करेंगे, विरोध कर देंगे। और अंग्रेजों का उद्देश्य जो था वो केवल लाभ कमाना था, क्या कमाना था, वो भारत से केवल लाभ कमाना चाहते थे। जब केवल लाभ के लिए काम करते थे तो कभी इन्होंने भारतीय किसानों के कल्याण पे काम नहीं किया, हमेशा किसानों का क्या करते रहे, शोषण करते रहे। तो किसान मजबूर होकर क्या करेगा, खेती छोड़ देगा और अंत में हथियार उठा लेगा। तो 1857 की क्रांति में किसान क्यों शामिल हो गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने पारंपरिक कृषि को नष्ट किया, उनसे व्यावसायिक खेती करवाई जिसकी भारत में कोई डिमांड नहीं थी, भू राजस्व के नाम पे शोषण किया और केवल लाभ कमाने पे अंग्रेजों ने ध्यान दिया। तो हमारे सारे किसान जो थे वो क्या कर गए, वो विरोध करने के लिए क्रांति की ओर अग्रसर हो गए। तो मैंने आपको सिखाया इसके पीछे क्या सामाजिक कारण थे, क्या प्रशासनिक कारण थे और इसके पीछे कौन से कारण थे, कौन से इसके पीछे आर्थिक कारण थे, ठीक। चलिए ये सब तो साधारण सी बात है, सबसे शानदार बात आपको जो सीखना है वो है इस क्रांति के पीछे कौन कौन से राजनीतिक कारण थे। क्योंकि भारत में जो राजे रजवाड़े पाए जाते थे उन्होंने ही इस क्रांति को बहुत तेजी से फैलाया था। तो आइए देखते हैं राजनीति में ऐसा क्या हो रहा था कि हमारे जो किसान थे, हमारे जो लोग थे, वो राजा महाराजा जो थे वो क्रांति में शामिल होते चले जा रहे थे। देखिए बहुत ध्यान से समझिए क्या क्या, देखिए अंग्रेज जो हैं वो भारत में कुछ नीति लेकर के आए थे जिन नीतियों से हमारे राजे रजवाड़ों का बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया,
क्या लगाया इन्होंने, क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लगाया। द्वैत शासन लगाने का मतलब था कि जनता से राजस्व वसूलने का जो जिम्मा था वो कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया, यानी नवाब साहब शासन करेंगे लेकिन राजस्व कौन वसूलेगा, वो कंपनी वसूलेगी। तो आप बताइए, जो पैसा वसूल रहा उसको शासन नहीं करना, और नवाब शासन कर रहे हैं तो नवाब को पैसा नहीं मिल रहा, तो बंगाल में अफरा तफरी मचेगी कि नहीं मचेगी। यही द्वैत शासन है, एक आदमी शासन कर रहा है और एक आदमी पैसा वसूल रहा है। अंग्रेज पैसा वसूल रहे हैं उनको शासन नहीं करना, कंपनी शासन कर रहे और नवाब शासन कर रहा है उसके पास पैसा नहीं है। आज हमारे यहाँ सरकार दो ही तो काम करती है, एक सरकार जनता के कल्याण के लिए काम करती है और एक जनता से राजस्व वसूलती है। अभी मैं कहूं कि यहां से राजस्व मैं वसूलूंगा और देश का कल्याण मोदी जी करेंगे, तो पैसा मेरे पास आ रहा है और कल्याण मोदी जी को करना है, तो क्या मोदी जी कल्याण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो जनता क्या हो जाएगी? नाराज हो जाएगी। तो जो अंग्रेजों ने द्वैत शासन लगाया इससे जनता बहुत ज्यादा क्या हो गई? नाराज हो गई। ठीक, और जान लेंगे द्वैत शासन किसने लगाया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लगाने का काम किया था। इसके अलावा और बाद में क्या हुआ, अंग्रेज एक नीति लेकर के आए जिसे कहा गया सहायक संधि। ठीक, लॉर्ड बेलेजली जो था वो भारत में सहायक संधि लेकर के आया था। देखिए बहुत ध्यान से, सहायक संधि से में क्या कहा गया कि भारतीय राजे रजवाड़े अपनी सेना नहीं रखेंगे, इनकी सुरक्षा अब कंपनी देखा करेगी। इसको बहुत ध्यान सीखिएगा, पहले हमारे राजाओं के ऊपर द्वैत शासन लागू किया गया, द्वैत शासन लागू करके अंग्रेजों ने क्या छीन लिया, हमारे जो राजा थे उनसे धन छीन लिया, यानी कहा कि आज के बाद पैसा कौन वसूलेगा, कंपनी वसूलेगी, पैसा छीन लिया हमारे राजाओं से। फिर सहायक संधि अप्लाई किया और कहा कि जो राजा सहायक संधि साइन करेगा वो अपने दरबार में सेना नहीं रख सकता है, सेना उसकी सुरक्षा कंपनी करेगी। तो आप खुद सोचिए, सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या छीन लिया, अंग्रेजों ने सेना छीन लिया, क्या कर लिया, सेना छीन लिया। अब आप बताइए, जब किसी व्यक्ति के पास ना सेना है ना पैसा है तो क्या वो राजा किसी काम का है? किसी काम का नहीं है। और अंत में अंग्रेज कौन सी नीति लेकर के आए, इसे कहा जाता है हड़प नीति। और इस हड़प नीति को लाने वाला व्यक्ति कौन था, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी भारत में एक बुरा सपना बनकर के आया था और इसमें क्या किया गया, इसमें सीधे भारतीय राज्यों पे कब्जा कर लिया गया। अब भारतीय राजा के पास ना पैसा है ना सेना है, क्या विरोध कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, सीधे क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। जब कब्जा कर लिया गया तब भारतीय राजाओं की दिमाग में बात समझ में आई कि पहले हमारा पैसा छीने फिर हमारी सेना छीने, आज जब हम किसी लायक नहीं बचे तो हम पे क्या कर लिए, कब्जा कर लिए। तो क्या भारतीय राजे रजवाड़े जो हैं वो विरोध करने के लिए क्रांति का रास्ता अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, तो आप सीधे क्या बोलेंगे, वो लोग किसका रास्ता अपनाएंगे, वो लोग क्रांति का रास्ता अपनाएंगे। इसके अलावा ध्यान देंगे, सहायक संधि करने के बाद अंग्रेज क्या करते थे, जो राजा सहायक संधि करता था उसके दरबार में अपना एक प्रतिनिधि छोड़ देते थे जिसे रेजिडेंट कहा जाता था। रेजिडेंट कौन था, जो राजा सहायक संधि साइन करेगा उसके दरबार में अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि रहेगा, इसे रेजिडेंट कहा जाएगा। अंग्रेजों ने कहा ये प्रशासन में आपकी सहायता करेगा, लेकिन क्या सहायता करता था, ये उल्टा जासूसी का काम करता था, ये राजा की सारी पोलपट्टी अंग्रेजों को बताता था, कहीं ये राजा कोई समूह तो नहीं बना रहा, अंग्रेजों के खिलाफ कोई योजना तो नहीं बना रहा। तो ये जो रेजिडेंट था ना, इसने भारत का बहुत नुकसान किया है। आप क्या बोलेंगे, सहायक संधि करने वाले राजा के पास अपनी सेना नहीं होती थी और उसके दरबार में अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि यानी एक अंग्रेज रहा करता था जिसे क्या कहते थे, रेजिडेंट कहते थे। कहने के लिए रेजिडेंट का काम क्या था, इस रेजिडेंट का काम था कि भारतीय राजे रजवाड़ों के साथ के लिए ये प्रशासन में क्या करेगा, सहायता करेगा। लेकिन इस सहायता तो कहा गया था, ये करता क्या था, ये जो हमारे भारतीय राजे रजवाड़े थे उनकी जासूसी किया करता था कि कहीं ये अंग्रेजों के खिलाफ कोई ग्रुप कोई समूह तो नहीं बना रहे। तो रेजिडेंट रख करके एकदम से हमको क्या कर दिया गया था, तहस नहस कर दिया गया था। फिर देखिए बहुत ध्यान से, जैसे इस समय जो पेशवा थे मराठा पेशवा, उनका नाम था नाना साहब। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने नाना साहब की पेंशन बंद कर दिया। समझिए बहुत ध्यान से, नाना साहब क्यों क्रांति में आए, क्योंकि
अंग्रेज जो थे वो नाना साहब के पूर्वजों को पेंशन देते थे और इनकी पेंशन बंद कर दिया, कहा आज के बाद आप पेशवा उसवा नहीं है। तो इनको जो पेंशन मिलती थी वो भी क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। तो अब जब इनकी पेंशन बंद कर दी गई तो बेचारे क्या हो गए, क्रांति का रास्ता अपनाए। फिर देखिए बहुत ध्यान से, हड़प नीति में क्या कहा गया था कि कोई भी ऐसा राजा जिसके पास अपना उत्तराधिकारी नहीं है, अगर उसने किसी बच्चे को गोद लिया है तो उसके गोद लिए गए पुत्र को उसका उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। यानी अगर राजा के पास अपनी नस्ल है, अपना पुत्र है, तभी उनका उत्तराधिकारी बनेगा। अगर उन्होंने किसी बच्चे को गोद लिया है या उनकी लड़की है तो ऐसे को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, उसके राज्य को हड़प के ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया जाएगा। इसीलिए हमारे यहां जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई क्यों क्रांति में शामिल हो गई, क्योंकि लक्ष्मीबाई का जो दत्तक पुत्र था, यानी इनके पास अपना पुत्र नहीं था, इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था, अंग्रेजों ने इनके दत्तक पुत्र को अमान्य घोषित कर दिया, कहा कि हम इसको आपका उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं, आपके राज्य को कब्जा करके ब्रिटिश भारत में क्या कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा। फिर देखिए बहुत ध्यान से, अंग्रेज क्या कर रहे थे, वो बहुत सारे जो पद थे ना वो पद को समाप्त कर रहे थे। जैसे अंग्रेजों ने कहा कि आज के बाद किसी को पेशवा नहीं कहा जाएगा, अंग्रेजों ने कहा कि लाल किला में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रह रहे हैं, लेकिन इनके बाद अब जो मुगल बादशाह होगा वो लाल किला में नहीं रहेगा, अब लाल किला अंग्रेजों का हो जाएगा। यानी पेशवा को पेशवा नहीं कहना है, बादशाह को बादशाह नहीं कहना है। जो क्वाइंस था, ध्यान देंगे, जो क्वाइंस था, जो सिक्का था, सिक्के से बादशाह का नाम हटा दिए। अब समझिए बहुत ध्यान से, इसके पहले जो सिक्का छपता था उस पर बादशाह का नाम होता था, अंग्रेजों ने क्या किया, क्वाइंस से बादशाह का नाम हटा दिया, क्वाइन से बादशाह का नाम हटा दिया, और कहा कि बहादुर शाह जफर के बाद जो अब किसी को बादशाह उत्साह नहीं कहा जाएगा, ना आप में से कोई अब लाल किला में रहेगा, तो बादशाह का जो अपमान होगा तो बादशाह क्रांति की ओर जाए। इनको पेंशन नहीं मिली तो एक क्रांति में और चले गए, इनके लड़के को उत्तराधिकारी नहीं माना तो एक क्रांति में चले गए, बादशाह से बादशाह का पद छीन लिए, इनका लाल किला छीन रहे थे तो ये क्रांति की ओर चले जाएंगे। तो प्रशासन के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर ये सारे जो परिवर्तन किए गए थे, इन सारे परिवर्तनों ने क्या किया था, क्रांति की ओर ले जाने का काम किया था। देखिए बहुत ध्यान से, एक रीजन और है जो मैं आपको सिखा रहा, समझेंगे बहुत ध्यान से। देखिए जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने हड़प नीति लागू किया, और हड़प नीति में उन्होंने कहा कि जिनके जिनके पास अपने उत्तराधिकारी नहीं है उनके गोद लिए गए लड़कों को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। लेकिन हड़प नीति जो थी यह अवध पर लागू नहीं हो रही थी, बहुत ध्यान सीखिए, हड़प नीति जो थी वो अवध पर लागू नहीं हो रही थी। क्यों नहीं लागू हो रही थी, क्योंकि अवध के जो बादशाह, अवध के जो नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। ये आपसे पूछा जाता है कि अवध के अंतिम नवाब कौन है, तो हम क्या कहते हैं, वाजिद अली शाह। तो अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, इनके पास अपना पुत्र था। देखिए हड़प नीति में क्या कहा गया है कि अगर आपका खुद का पुत्र नहीं होगा तो आपके गोद लिए गए बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। लेकिन इनके पास अपना पुत्र था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था बिरजिस कादिर। क्या नाम था, जिसका नाम था बिरजिस कादिर, या कहीं कहीं पे बिरजिस कद्र लिखा रहता है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां बिरजिस कद्र लिखा रहता है, ये इनका लड़का था। जब इनका खुद का लड़का है तो इन पे हड़प नीति नहीं लागू हो रही थी, लेकिन अवध पे कब्जा तो करना है। तो डलहौजी ने क्या किया, 1856 में डलहौजी ने कहा कि भैया अवध में बहुत तगड़ा कुशासन चल रहा है। क्या कहा इन्होंने, कि अवध में बहुत तगड़ा कुशासन चल रहा है, और उन्होंने यहां पे कुशासन का आरोप लगा दिया, कहा अवध के नवाब सही से शासन नहीं कर पा रहे हैं, हम आ रहे हैं शासन करने के लिए। यानी वही वाली बात थी कि बकरियों का सही से पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, इसके लिए शेर को चौकीदार बनाया जा रहा था, शेर जो है अब वो बकरियों का पालन पोषण करेगा। तो याद रखेंगे, अवध पर हड़प नीति नहीं लागू हो रही थी, तो अवध पर कुशासन का आरोप लगा के क्या कर दिया गया था, इस पे कब्जा कर लिया गया। अभी जब अवध पे कब्जा किया गया तो सब लोगों ने देखा, जनता ने देखा कि अंग्रेज एकदम अब आतताई बन गए हैं, बस उनको सिर्फ सिर्फ कब्जा करना है। और वाजिद अली शाह की मृत्यु हो गई थी, तो जो ब्रिटिश कादिर थे इनकी
अल्पायु थी, यानी बहुत कम आयु के हुआ करते थे। तो इनको गद्दी पर बैठा कर जो इनकी माता जी थी, जिनका नाम था बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने क्या किया था, उन्होंने क्रांति में जाकर के पार्टिसिपेट किया था। आप समझिए बहुत ध्यान से, देखिए नाना साहब क्यों शामिल हुए, क्योंकि इनकी पेंशन बंद हो गई। लक्ष्मीबाई क्यों शामिल हुई, क्योंकि इनके पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना गया। बादशाह क्यों शामिल हुए, क्योंकि सिक्के से इनका नाम हटा दिया गया, इनसे लाल किला छीना जा रहा था। ठीक, अवध के नवाब क्यों शामिल हुए, बेगम हजरत महल क्यों शामिल हुई, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा के छीन लिए थे। ऐसे जितने भी राजा महाराजा इसमें शामिल हुए थे, सबके पीछे अपना कोई ना कोई खुद का लॉजिक था। ये लोग भारत को आजाद कराने के लिए विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि सब अपने ही अपने लाभ के लिए विरोध कर रहे थे, जो कि क्रांति की असफलता का एक कारण बनेगा, अभी आगे मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैंने आपको सिखाया कि क्रांति की असफलता के पीछे कुछ सामाजिक कारण है, कुछ प्रशासनिक कारण है, कुछ आर्थिक कारण है, कुछ राजनीतिक कारण है, ठीक ना। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे अन्य कारण भी हैं। ठीक, एक और मैं आपको बता दे रहा जिसको आप जानते रहेंगे, समझेंगे। यानी अगर हम इसका कारण ही पढ़ने का प्रयास करेंगे, तब भी आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको मैं थोड़ा बहुत सिखा दे रहा, समझेंगे। इसके पीछे कुछ सैन्य कारण भी थे, यानी कुछ जो है सैनिक कारण भी थे। देखिए बहुत ध्यान से, कौन कौन से सैनिक कारण थे, जो सैनिक थे वो क्यों विद्रोह की ओर जा रहे थे, सैनिकों में ऐसी कौन सी भावना आ गई थी जो अंग्रेजों का विरोध करने का काम कर रहे थे। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, उस समय जो अंग्रेजों की सेना थी उसमें 5:1 के अनुपात में सैनिक पाए जाते थे। अब 5:1 का क्या अनुपात है, यानी इनमें अगर आप देखेंगे तो जो अंग्रेजों की सेना में जो भारतीय थे और जो अंग्रेज थे उनमें कितने का अनुपात था, 5:1 का अनुपात था। यानी 5 गुना भारतीय सिपाही थे और 1 गुना कौन थे, वो अंग्रेजी सिपाही थे। लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते थे, उच्च पद हमेशा किसको दिया करते थे, उच्च पद हमेशा ये उनको दिया करते थे। जैसे कुछ मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा, जैसे एक शब्द होता है स्टाम्प। स्टाम्प का मतलब होता है कि अगर आप जब कभी चिट्ठी लिखते हैं तो चिट्ठी पे आपको स्टाम्प यानी टिकट लगाना पड़ता है। तो अंग्रेजों ने एक नियम बनाया, इन्होंने कहा कि जो सिपाही है, जो सेना में सिपाही है, इनको टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है, इनको टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कौन से सिपाही, तो अंग्रेज सिपाही। अब आप बताइए ये सीधा शोषण हो रहा है कि नहीं शोषण हो रहा। भारतीय व्यक्ति भी सिपाही है, जब वो चिट्ठी लिखेगा तो उसको स्टाम्प लगाना पड़ेगा, लेकिन जब अंग्रेज चिट्ठी लिखेगा तो उसको स्टाम्प नहीं लगाना पड़ेगा। तो भेदभाव हो रहा कि नहीं हो रहा। इन्होंने क्या नियम बताया कि जो भारतीय है ये प्रमोशन लेते लेते अधिकतम कितना बन सकता है, ये अधिकतम सूबेदार बन सकता है, सूबेदार से ऊपर इसको नहीं भेजा जाएगा। अब आप बताइए ये सीधा शोषण है कि नहीं शोषण है। हमारे सिपाहियों को केवल सूबेदार बनाया जाएगा, उसके ऊपर नहीं जा सकते, उसके ऊपर केवल अंग्रेज रहेंगे। स्टाम्प के नाम पे अंग्रेज सिपाही को छूट है, भारतीय सिपाही को नहीं छूट है। समान पद पर हैं, लेकिन भारतीय सिपाही को कम वेतन मिलेगा, अंग्रेज को ज्यादा वेतन मिलेगा। तो ये सब जब भेदभाव होगा तो सिपाही विद्रोह करेगा कि नहीं करेगा। यानी मैं आपको सिखा रहा हूं कि पिछले 100 सालों में अंग्रेजों ने सेना में, राजनीति में, प्रशासन में, समाज में, अर्थव्यवस्था में हर स्तर पर शोषण किया था, और उसी का परिणाम था जो 1857 की क्रांति हुई। लेकिन किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई तात्कालिक कारण जरूर होता है। तो आइए जो आपके लिए सबसे खास है, जो आपने सुना भी होगा, पूछा जाता है 1857 की क्रांति के पीछे तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण का मतलब है कि तत्काल में ऐसा क्या हो गया था कि सारे सिपाही जो है वो विद्रोह कर गए थे। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए, पीसीएस ने कई बार पूछा है कि क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो आप हमेशा क्या जवाब देंगे, चर्बी वाला कारतूस। पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपसे अगर कोई एक लाइन में पूछे कि भारत में जो क्रांति हुई उस क्रांति के पीछे तात्कालिक कारण क्या बना, तो क्या जवाब बनेगा, चर्बी वाला कारतूस जो था वो इसके पीछे तात्कालिक कारण बना। यानी वर्तमान में ऐसा क्या हो गया कि सारे सिपाही अचानक से क्रांति कर बैठे, तो उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन बनेगा चर्बी वाला कारतूस। चलिए देखिए बहुत ध्यान से है क्या ये मैं आपको सिखा रहा, समझेंगे। 1856 में अंग्रेजों ने क्या किया था, वो एक नई बंदूक लेकर के आए। बहुत ध्यान समझिए, 1856 में क्या हुआ, अंग्रेज एक नई बंदूक लेकर के आए।
पहले जो बंदूक ही राइफल यूज होती थी उसे कहते थे ब्राउन बेस। क्या कहते थे? जो पहले बंदूक यूज होती थी राइफल उसे क्या कहते थे? ब्राउन बेस। अंग्रेज जो हैं वो ब्राउन बेस के स्थान पे एक नई राइफल लेकर के आए थे, इसे न्यू इनफील्ड राइफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे न्यू इनफील्ड राइफल कहा जाता है। ध्यान समझेंगे, 1856 में अंग्रेज एक नई राइफल लेकर के आए, पहले कौन सी थी? ब्राउन बेस, अब कौन लेकर के आए थे? न्यू इनफील्ड। इस राइफल की क्या खास बात थी कि इसमें जो कारतूस यूज होता था, इसमें जो कारतूस यूज होता था उस कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था, उस कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था। मैं आपको यह भी बता दे रहा क्यों इसको मुंह से काटना पड़ता था। देखिए उस समय कैसे होता था, जैसे मान लीजिए कि ये बंदूक है, ठीक ना, और मान लीजिए कि ये कारतूस है, तो उस समय क्या था, कारतूस को ऐसे तोड़ा जाता था, तोड़ करके इसका बारूद ऐसे बंदूक में डाला जाता था, फिर एक डंडी से उस बारूद को शार्प करते थे, फिर उसको लोड करके तब फायर किया जाता था। यानी पहले आपको कारतूस तोड़ करके उसका बारूद डालना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने फेविक्विक इस्तेमाल किया हो तो आप देखेंगे जहां से फेविक्विक को तोड़ना होता है, अगर आपने कभी इंजेक्शन तोड़ा हो तो जहां से इंजेक्शन को तोड़ना होता है वहां उसको थोड़ा सा कमजोर बना दिया जाता है, तभी डॉक्टर साहब ऐसे मारते हैं तो इंजेक्शन टूट जाता है, या फेविक्विक को आप ऐसे घुमाते हैं तो टूट जाता है। अब अंग्रेजों के समय में ये टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो जहां से कारतूस को तोड़ना होता था उस हिस्से को सॉफ्ट रखना होता था, सॉफ्ट रहे, नरम रहे, तभी आसानी से टूट जाएगा। अब अफवाह फैल गई कि जिस जहां जिसको तोड़ना है उसको नरम रखने के लिए कारतूस में चर्बी मिलाई जा रही है। क्या अफवाह फैल गई कि कारतूस में क्या मिलाई जा रही है? चर्बी मिलाई जा रही है। समझ पाए? जैसे इसको अगर इसको ये पेन है मान लीजिए, इसको 20 से तोड़ना है तो ऐसे तोड़ेंगे तो कहां टूटेगा, लेकिन अगर यहां पे सॉफ्ट कोई चीज लगा दिया जाए, यहां एकदम नरम रहे तो मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। तो कारतूस को आसानी से तोड़ने के लिए इसमें चर्बी मिलाई जा रही है, और किसकी चर्बी मिलाई जा रही है? तो अफवाह फैल गई कि भैया इसमें गाय की चर्बी मिलाई जा रही है और इसमें सुअर की चर्बी मिलाई जा रही है। अब देखिए बहुत ध्यान से, न्यू इनफील्ड राइफल में कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था, और अफवाह फैल गई इसमें गाय और सुअर की चर्बी है। अब ये क्रांति जो है ना, इसमें हिंदू मुसलमान दोनों पार्टिसिपेट किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि गाय के नाम पर जितने हिंदू सिपाही थे वो सब विरोध में चले गए, और सुअर के नाम पर जो मुस्लिम सिपाही थे वो सब के सब क्या होंगे, इसका विरोध करेंगे। अब आप खुद सोचिए, जो उस समय के ब्राह्मण थे वो लोग समाज में शूद्र वर्ग को ये कह के नहीं छूते थे कि तुम लोग मांस खाते हो। अब वही ब्राह्मण का लड़का सेना में सिपाही है, अब वो जिस कारतूस को मुंह से तोड़ रहा है उसमें सुअर की चर्बी लगी है, गाय की चर्बी लगी है। अब जो अपने गांव में आएगा तो उससे जो गांव के ओबीसी और SC ST हैं कहेंगे भाई अब मेरे तुम्हारे में कोई अंतर नहीं रहा, हम तो मान लीजिए मुर्गा खाते हैं, तुम तो गाय का मांस मुंह से काट के आए हो, तो समाज में उनकी उनकी बुराई होगी, तो लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। तो ये तात्कालिक कारण था। फिर सुनेंगे तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाला कारतूस। अंग्रेज 1856 में ब्राउन बेस के स्थान पे न्यू इनफील्ड राइफल लाए, और ये अफवाह फैल गई कि इसके कारतूस को हम लोग मुंह से जो काटते हैं उसको सॉफ्ट रखने के लिए गाय और सुअर की चर्बी मिलाई गई है। और ध्यान देंगे बाद में कलकत्ता में यानी बंगाल में, बाद में कलकत्ता में एक शस्त्रागार है जिसे कहते हैं उलित शस्त्रागार। कलकत्ता में एक शस्त्रागार है जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं उलित शस्त्रागार। इस उलित शस्त्रागार में यह बात प्रमाणित भी हो गई थी, यानी अफवाह नहीं थी, यह बात यहां पे प्रमाणित भी हो गई थी कि अंग्रेज जो हैं वो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, वो गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्रांति के पीछे जितने सारे कारण थे वो 100 साल वाले थे, लेकिन जो चर्बी वाला कारतूस जो कारण बना था ये तात्कालिक कारण बना था। तो आप इसको बहुत अच्छे समझ पाए होंगे कि क्रांति के पीछे जो है वो तात्कालिक कारण के रूप में चर्बी वाला कारतूस क्यों बन गया। और आप ये भी बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि इस क्रांति में हिंदू मुसलमान दोनों क्यों शामिल हुए, क्योंकि गाय हिंदू में पवित्र जानवर है तो सारे हिंदू शामिल हो जाएंगे, और इस्लाम में सुअर हराम है तो इस्लाम वाले शामिल हो जाएंगे। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि इसके पीछे तात्कालिक कारण क्या था, तो आप क्या जवाब देंगे कि इसके पीछे तात्कालिक कारण है वो था चर्बी वाला कारतूस।
यानी मैंने आपको दूसरी हेडिंग जो सिखाई, जो मैंने आपसे पहले कहा था, उसके पीछे क्या लॉजिक था कि क्रांति के पीछे क्या क्या कारण थे, तो आप क्या बोलेंगे, इसके पीछे कुछ सामाजिक कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे, कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ धार्मिक कारण थे, कुछ सैनिक कारण थे, और एक इसमें कौन सा कारण था, वो था तात्कालिक कारण, जिसे हम लोग कहते हैं चर्बी वाला कारतूस। वो कौन सा कारण बना, वो बना इसमें तात्कालिक कारण। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों ने यहां तक सेशन को एंजॉय किया होगा। अब हमारी क्रांति होने वाली है, तो अगले क्लास में हम लोग क्रांति की शुरुआत कराएंगे, देखते हैं मंगल पांडे ने कैसे गोली मारा, कैसे क्रांति की शुरुआत किया। ठीक, उसके बाद हम लोग उसी क्लास में इसको खत्म भी करने का प्रयास करेंगे। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके हमको बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।